हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो कि आरवी के एडवाइस। दोस्तों, आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी आर्य समाज से। बहुत सारे लोग नहीं जानते इसमें खर्चा कितना है, और इस वीडियो के थ्रू आपको जानने को मिलेगा खर्च कितना है। क्या सिर्फ आर्य समाज का सर्टिफिकेट लेने से आप बाहर आपकी यानी अपने देश के बाहर कहीं भी जाओगे आप, या फिर आपके देश में ही ये वैलिडेशन होती है अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो, सिर्फ आर्य समाज का सर्टिफिकेट लेते हो तो? और उसी के साथ, क्या किसी ने आर्य समाज के मंदिर में शादी की है तो फिर उसका डिवोर्स जो है वो होगा या वो नहीं होगा, क्योंकि ये वैलिड होता है या नहीं, क्योंकि आपने आपने रिलीजियस के थ्रू यानी वर्चुअल आपने रीति रिवाज के साथ जो है शादी की है, तो क्या ये सारी चीज़ें वैलिड होती है? बहुत सारी चीज़ें इससे जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, आपको बता दूँ, सबसे पहले अगर आप शादी करने के बारे में सोच रहे हो तो आर्य समाज का सर्टिफिकेट आपको लेना ज़रूरी है। ये पूरा प्रोसेस बस इतना होता है ना कि आपको ये शादी जो होती है वो आपका एक कस्टम है, एक रीति रिवाज के थ्रू होती है। हिंदू मैरिज में क्या होता है ना कि आप मंदिर में शादी करते हो, उसके बाद फिर जाके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है। तो मंदिर में शादी जब आपकी हो गई आर्य समाज मंदिर में, तो वहाँ से आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। फिर उस सर्टिफिकेट को फिर वहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आप ले जाके शो करते हो कि हमने रीति रिवाज से शादी की है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होता है। हिंदू रीति रिवाज, आपके रीति रिवाज के हिसाब से ये शादी हुई है तो बता दूं आपको, ये शादी वैलिड है। आपने हिंदू रीति रिवाज की शादी यानी अपने कस्टम के हिसाब से शादी की, आर्य समाज में शादी किया ना, तो आपका ये वैलिड है। अब यह बात होती है ना कि क्या हमारी कास्ट अलग अलग है तो ये हाँ वैलिड होगा। जी हाँ, आपको बता दूं कि यहाँ कोई कास्ट धर्म नहीं देखा जाता। आप बता दूं कि यहाँ कोई मूर्ति की पूजन नहीं होती है। यहाँ सिर्फ आपका एक अग्निकुंड होता है, वहाँ आपको फेरे दिलवाए जाते हैं, प्रॉमिस करवाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरी बात है कि अगर कोई अलग धर्म से है, क्या सिर्फ हिंदू नहीं होके आप मुस्लिम हो या फिर कोई और कास्ट है, आप पारसी हो तो आप अगर पारसी हो तो फिर बहुत सारे जो कास्ट होंगे ना, ईसाई हो, तो ये सारे जो धर्म है ना, तो ये अलग रिलीजियस की बात होगी, तो वो लोगों की भी शादी इसमें हो सकती है। उसका प्रोसेस बस इतना होता है कि एक सिंपल सा एक शुद्धिकरण का प्रोसेस होता है, उसके बाद आपको शादी वहाँ पे करनी दी जाएगी। इसमें कोई वहाँ पे भेदभाव नहीं है, यही है सिंपल प्रोसेस, यही है सही प्रोसेस। अब हम बात करते हैं कि आर्य समाज के मंदिर में शादी करने का खर्च कितना है। ये सबसे सस्ता है, आपको बता दूँ, इससे किफ़ायती, इससे सस्ती शादी कहीं हो ही नहीं सकती। आपको बता दूँ, आप एक नॉर्मल शादी करते हो कितना खर्च पड़ जाता है, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, कैसे भी करो। और आप चाहते हो कि हमारी शादी बहुत अच्छे तरीके से हो, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से हो, आप ही दुल्हन बनो, आप ही दूल्हे बनो, तो जो ब्राइड और ब्राइडग्रूम बनने का जो ड्रीम होता है ना, वो आप इसके थ्रू सच भी कर सकते हो। खर्चा आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 1.5 हज़ार का, या फिर 1 हज़ार का भी खर्चा आप इतने सिंपल तरीके से भी शादी कर सकते हो। इसमें आपको क्या क्या ज़रूरत होती है, तो इसमें आपको बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि क्या हमें उसके लिए एक कपड़े की ज़रूरत होगी, जो मतलब कि स्पेशल कपड़े की, तो ऐसा कुछ नहीं। आप कोई भी कपड़ा पहनो, आप अपने हिसाब से अगर सजना संवरना चाहते हो तो ये आपकी मर्ज़ी, ये तो आप सिंपली अगर शादी करना चाहते हो तो भी आपकी मर्ज़ी, वहाँ ऐसे कुछ प्रोसेस नहीं कि आपको बहुत अच्छा ड्रेसअप होके ही जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप वहाँ सिंपली जाके भी शादी कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा होती है, आप जैसे कपड़े पहनना चाहो। अब हम बात करते हैं कि इस पर सामान की ज़रूरत होती है, वो आपको कुछ कुछ लाने पड़ेगी। सबसे पहले तो प्री बुकिंग होती है इसमें। प्री बुकिंग होने के बाद फिर आपको चाहिए क्या सामान, आपको कुछ सामान चाहिए जैसे कि फूल मालाएं होंगी, फिर आपको मिठाइयाँ, फिर आपके लिए बता दूँ कि आपके लिए जो सिंपल सी चीज़ें होती हैं जैसे सिंदूर हो गए, ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जो मैरिज के लिए ज़रूरी होती है, ये छोटी छोटी मोटी चीज़ें आपको ले लानी पड़ेगी अपने खर्चे पर। और बाकी जो वहाँ पर दक्षिणा होती है, जो पंडित जी वहाँ पर आते हैं, तो वो जो आर्य समाज के पंडित जी हैं उनको आप दक्षिणा दे सकते हो, 500, 600, 200, ये फिर आपकी जितनी भी मर्जी है वो वहाँ पे आप दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोगों को ठग लिया जाता है, 4,000, 5,000 ऐसी सारी चीज़ें ले ली जाती है आर्य समाज के मंदिर से, तो वहाँ फेक होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बता दूँ, ऐसा नहीं होता है, बहुत कम खर्चे में होता है ये शादी बहुत अच्छी तरीके से। आर्य समाज का जो सर्टिफिकेट होता है ना, वो आपको पूरी देश में वैलिड है, हर जगह पर वैलिड है, इंटरनेशनल भी ये आपके लिए वैलिड होता है, क्योंकि आपको इसमें फिर एक रजिस्ट्रेशन आईडी, फिर आप जब रजिस्ट्रेशन कराते हो तो भी मिलती है। दूसरी बात है कि इसके थ्रू आप अगर डिवोर्स लेना चाहो तो फिर आपको पूरी प्रोसेस करनी ही पड़ेगी। आप इसमें से विदेश में भी वैलिड होगी, तो आपको ये कराना बिल्कुल ज़रूरी है। और इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो में आपको कुछ अच्छा जानने को मिला होगा, और आपके सवाल अगर कुछ है तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, और
उसी के साथ हमें इंस्टा आईडी पे फॉलो करें। वैसे आपको बता दूँ उस चैनल में सब कुछ मिलता है, तो आपके लव लव लाइफ डेली लाइफ और हाँ इंस्पिरेशन चाहिए, हिम्मत चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझसे जुड़ जाइए। मैं हूँ आरुणी। तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करना ना भूलना। आज का सवाल बस इतना है कि क्या आप कौन से धर्म से। देखिए धर्म वैसे हम सबसे बड़ा धर्म चाहते हैं इंसानियत, तो आप इंसानियत के धर्म के साथ कितने जुड़े हो। लेकिन हाँ आप अपनी जगह का नाम इस वीडियो में ज़रूर देना। और क्या आप ऊंच नीच जाति बिरादरी या फिर अदर कास्ट मैरिज में जैसे हो जाता है ना कि शादियाँ बिल्कुल नहीं हो पाती, क्यों? क्योंकि वो अलग धर्म से। तो क्या आप जात पात और धर्म पे विश्वास रखते हो? क्या आप मतलब क्या इस बात से अहरी करते हो कि सिर्फ जात पात की वजह से किसी की शादी ना हो? क्या जात पात प्यार से ऊपर है? यही सवाल है मेरा। हाँ या ना पे ज़रूर जवाब रखिएगा कमेंट बॉक्स पे। मेरे हिसाब से इसका जवाब है नहीं। सबसे बड़ा धर्म है प्यार। चाहे कोई भी रिलीजियस हो आपको प्यार और सम्मान करना सिखाता है। और मेरे हिसाब से ये जो कास्ट बीच में आता है ना शादी के लिए, बहुत गलत बात है। ये सारी चीज़ें हटानी चाहिए और ये 21st सेंचुरी में नहीं हटेगा तो कब हटेगा? सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।